Now we define domain and range of a relation. Let R be a relation in set A, domain, let R be a relation in set A, then the set of all first coordinates of elements of R is called the domain of R, written as domain of R. Domain of R is equal to A such that AB belongs to R. Means first coordinate of all elements of relation is the domain of the relation. Now range, let R be a relation in set A, then the set of all second coordinate of elements of R is called range of R, written as range R. Range R is equal to B such that AB belongs to R. AB belongs to R means range all the second coordinate of relation. Now for example, let A is equal to 1, 2, 3 and R is a relation AB such that A plus B is even. A plus B is even. R is equal to 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3. ये सब एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इन सब का सम इवन आएगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए में. हियर डोमेन ऑफ आर मीन्स 1, 1, 2, 3, क्योंकि हम सेट के एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे इसलिए हम इस दोबारा 1 को नहीं लिखेंगे इसमें. और रेंज ऑफ आर सेकंड कोऑर्डिनेट 1, 3, 2, फिर 1, 3 रिपीट करा, इसको नहीं लिखना आपको. तो ये डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन है. नाउ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन. फर्स्ट है इसमें एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन. ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोट सच रिलेशन बाई फाइव. मीन्स आर इज इक्वल टू फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इज ए सेट. And let R be a relation in A given by R is equal to AB such that A minus B is equal to 6. A minus B is equal to 6. Clearly, no element of AB belongs to A cross A satisfy the property of A minus B is equal to 6. Means, इसके कार्टिशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट मिलेंगे उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट में से सेकेंड को डिफरेंस करे तो वो 6 आए. तो यहाँ पे कोई एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं मिल रहा है. हमारा यहाँ पे R इक्वल टू 5 है तो R इज एन एम्प्टी रिलेशन. नाउ यूनिवर्सल रिलेशन. ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A. मीन्स R इक्वल टू A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A. मीन्स ऐसा रिलेशन कि जो पूरा एक क्रॉस A के इक्वल हो, एक क्रॉस A को कंटेंट कर ले, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा. जैसे A इज इक्वल टू 1, 2 कोई सेट है, हम एक क्रॉस A निकाल लिए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. अब R इज इक्वल टू AB सच दैट A डॉट B इज लेस देन 4. मतलब हमारा ऐसा रिलेशन है, ऐसे एलिमेंट ऐसे लेना है हमको इसमें कि जिनका प्रोडक्ट जो है 4 या 4 से कम हो. इसमें आप देख रहे हैं सारे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इसका प्रोडक्ट 4 या 4 से कम आएगा. तो R इज इक्वल टू एक रास्ते है तो ये आपका R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन. इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन है. द रिलेशन R इज इक्वल टू A A सच दैट A बिलोंग्स टू A. ये जो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A रिलेशन होगा, सपोज दैट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है. तो आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स 1 के साथ 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. अगर ये ये कंटेंट किया गया है कि सिर्फ 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, मतलब इस सेट के लिए, तो ये R इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A. वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन. कुछ और टाइप के रिलेशन हैं कि लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन R ऑन A इज सेट टू बी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव इफ A A बिलोंग्स टू R. A बिलोंग्स टू R फॉर ईच A बिलोंग्स टू A. दैट इज इफ A आर A, मतलब A का रिलेशन A के साथ होगा और A आपका फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट A है. मीन्स अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट का अपने आप से खुद से रिलेशन होगा, जो रिलेशन डिफाइन होगा, अगर वो रिलेटेड होंगे तब आपका वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तब वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा. अभी हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे. सेकेंड है बेटा सिमेट्रिक.
इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है, अगर ये इम्प्लाई करे कि बी ए भी आर में है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, कोई भी ए बी आप अगर ए में लेते हैं, दैट इज इफ ए आर बी, अगर ए रिलेटेड है बी से और ये इम्प्लाई करे कि बी इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ऐसा है तो वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा, ठीक है। मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई करे बी ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स दोनों रिलेशन की डिफिनीशन को फॉलो करने चाहिए ए बी बी ए। थर्ड ट्रांजिटिव है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ये इम्प्लाई करे बेटा कि ए सी भी आर में, मीन्स ये जो कॉमन है दोनों एलिमेंट का बी बी, ये अगर गायब कर दिया जाए, ए फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ रिलेशन हो ए सी बिलोंग्स टू आर, तब वो ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, बी कोई भी होंगे, दैट इज इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, और बीच में हम बी को छोड़ देंगे, अगर ये इम्प्लाई करे ए इज रिलेटेड टू सी है, तो वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। जो भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट रहेंगे, अगर इस तरह से उसमें बन रहा है कि ए का आर, ए आर बी है, बी आर सी है, तो निश्चित रूप से ए सी जो है उस रिलेशन में, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद एक इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, मीन्स तीनों प्रॉपर्टी को अलग अलग फॉलो करता रहेगा, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लासेस है। लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, मीन्स बी बिलोंग्स टू ए, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए बी बिलोंग्स टू आर हो। अभी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट आर आइडेंटिकल, दो इक्विवेलेंस क्लास जो होते हैं वो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पार्टीशन द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। रिलेशन जो होता है जिस सेट के लिए डिफाइंड होता है, जिस सेट में डिफाइंड होता है, वो उसको जो इक्विवेलेंस क्लास होते हैं उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में वो डिवाइड कर देते हैं।